गोवा मार्केट गजब का है। वाह, ये मार्केट में कितने सारे फैशनेबल क्लॉथ्स, पर्स, ज्वेलरी, बाप रे बाप, बहुत सुंदर मार्केट है। लेडीज लोग के लिए ज्वेलरी वगैरह, इयर रिंग्स, पर्स, भरपूर सामान यहाँ पे। नाइट लाइफ का तो जवाब ही नहीं, खाना का क्या ही बोलूं, और खूबसूरत नज़ारों का तो कमी ही नहीं है यहाँ पे। बहुत अच्छा लगा मुझे, 8 दिन कैसे बीत गए पता भी नहीं चला। यहाँ का भाई भी अलग है, स्पेशली फॉर फूड। सुबह उठ के एक्टिविटीज़ करेंगे, दोपहर को बढ़िया सी फूड लंच करेंगे, और शाम को बेहतरीन नज़ारों का मज़ा लेंगे। इससे बेहतर क्या ही होगा। तो दोस्तों, गोवा में अगर आएंगे ना तो गोवा का थाली, गोवन थाली, फिश थाली जरूर ट्राई कीजिए। चिकन मटन तो भूल जाइए, बस फिश ही खाइए। यहाँ पे फैट फिश का टेस्ट बहुत अच्छा लगा मुझे। इतना सा रेस्ट लिए और सीधा पहुँचे हैं यहाँ सिंकोरियम फोर्ट में। अब ये जगह देखे होंगे, डे वन और डे टू में हम लोग शायद यहाँ पे आए थे। सामने ठीक दिख पा रहे होंगे आप, सिंकोरियम व्यू पॉइंट है ये। सनसेट यहाँ पे बहुत अच्छा रहता है, शाम के टाइम में काफ़ी भीड़ भी रहता है यहाँ पे। बहुत सारे गोवा के लोग यहाँ पे आते हैं शाम के टाइम में टाइम स्पेंड करने के लिए, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। ठीक सामने देख पा रहे होंगे आप सिंकोरियम फोर्ट है, जो सर्किल जैसा दिख रहा है वो। और ये सिंकोरियम बीच है सामने, उसके साइड में ही है सिंकोरियम फोर्ट। काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे शाम के टाइम में टाइम स्पेंड करने के लिए। तो आज फिर से यहाँ पे आए हैं, आज लास्ट डे है बोल के। थोड़ा सा बैठेंगे, सनसेट देखेंगे और मार्केट निकलेंगे। दिन आए थे यहाँ पे, कितना अच्छा लग रहा था यहाँ बैठने के लिए। लगभग रोज हम यहाँ पे आके बैठते हैं, कितना खूबसूरत नज़ारा है। 8 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। कल हमें यहाँ से निकलना है तो थोड़ा बुरा भी लग रहा है, सुंदर जगह को छोड़ के जाने का मन तो बिल्कुल नहीं हो रहा है, लेकिन जाना पड़ेगा अगले डेस्टिनेशन, अगले जगह को। थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे आज यहाँ पे, सोच रहे हैं थोड़ा ज़्यादा बैठेंगे, उसके बाद निकलेंगे मार्केट। मार्केट में भी बहुत कुछ काम है आज, थोड़ा शॉपिंग भी करना है। चौगाम रोड है, प्रोनाउंसिएशन तो मुझे ठीक से पता नहीं, लेकिन सालीगाँव सर्किल से पहले चौपाती बैठने के लिए रोड साइड में जगह है। प्लस बहुत सारे यहाँ पे ठेला जो बोलते हैं, स्ट्रीट फूड जो है वो यहाँ पे लगा रहता है। बड़ा पाव वगैरह, पाव भाजी, गुपचुप, बहुत सारे स्नैक्स यहाँ पे, इवनिंग स्नैक्स मिलते हैं। स्ट्रीट फूड बहुत अच्छा मिलता है यहाँ पे, तो हम लोग भी यहाँ पे गुपचुप ट्राई कर रहे हैं। यही है सालेगांव सर्किल, और इसके आगे वाला जो रोड है वो चैगम रोड है, जहाँ पे स्ट्रीट फूड अच्छा अच्छा मिलता है, ज़रूर यहाँ पे ट्राई करें। अभी हम यहाँ से सीधा निकल रहे हैं ट्यूबिटियन मार्केट, बहुत अच्छा मार्केट है, कुछ देखेंगे वहाँ पे, मार्केटिंग करेंगे। ट्यूबिटियन मार्केट बाघा बीच और कलंगुट के बीच में है, रोड के ऊपर ही है। बाइक लेके मत जाइए यहाँ पे, पार्किंग का इश्यू होता है, चल चल के जाने का कोशिश कीजिए, अगर दूर है तो कुछ नहीं कर सकते हैं। बाकी मार्केट बढ़िया है, बहुत बढ़िया मार्केट है दोस्तों। काफी सारा घर को सजाने के लिए ट्यूबिटियन आइटम्स, बुद्धा, चाइम्स वगैरह भरपूर यहाँ पे, बहुत वैरायटी है, नेगोशिएट भी कर सकते हैं आप। बहुत बढ़िया प्राइस रेंज भी यहाँ से 100 रुपए से आइटम स्टार्ट हो जाता है। लेडीज लोग के लिए ज्वेलरी वगैरह, इयर रिंग्स, पर्स, भरपूर सामान यहाँ पे। दिल खुश हो जाएगा आपका अगर ये मार्केट में एक बार आप घुस रहे हैं तो। गोवा आए हैं तो इसे मिस मत कीजिए मेरे हिसाब से।
दिल खुश मार्केट है। नेकलेस शुरू हो जाता है 100 रुपए में, लेडीज लोग खुश हो जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारा वैरायटी है। मेडिटेशन आइटम 500 रुपए से शुरू हो जाता है। स्टेच्यू वगैरह, विंटेज स्टेच्यू, बहुत पुराने पुराने आइटम्स हैं यहाँ पे। वो चाइम्स वगैरह हैं, चाइम्स तो बहुत सस्ता है यहाँ पे। चाइम्स का काफी अच्छा कलेक्शन है यहाँ पे। लेडीज लोगों के लिए इयररिंग्स वगैरह, नेकलेस वगैरह सब 50-100 रुपए से शुरू हो जाता है। बहुत अच्छा लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। स्पेशली यहाँ पे जो स्टेचू है रेड कलर का, बुद्धा स्टेचू, ये सब, ये बहुत अच्छा लगा मेरे को। ये इसका प्राइस भी उतना ज़्यादा नहीं है, तो मार्केट बहुत अच्छा है। यहाँ से हम सीधा निकल रहे हैं कलंगुट कपड़ा मार्केट, थोड़ा घूमेंगे अब। सो कलंगुट तो बहुत अच्छा लग रहा है, चकाचौन एकदम पूरा सजाया हुआ है। यहाँ का मार्केट बहुत अच्छा है, मैं सुना हूँ यहाँ पे कपड़ा अच्छा मिलता है सस्ते में। मार्केट चालू हो गया, दोनों तरफ कपड़ों का ही दुकान है। लेडीज जेंट्स बोथ, फुल ऑफ फैशन स्टाइलिश कपड़े, बीच में पहन के नहाने वाला या फिर बीच में घूमने वाला सब कपड़ा। कलंगुट मार्केट भी कपड़ों के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पे सस्ते में, बहुत कम पैसे में, 100 रुपए से शुरू होता है। बहुत अच्छे अच्छे स्टाइलिश कपड़े यहाँ पे अवेलेबल हैं। मेरे हिसाब से गोवा अगर आप आ रहे हैं तो खाली बैग लेके आइए, क्योंकि यहाँ पे बहुत यूनिक यूनिक डिजाइन्स, डिजाइनर कपड़े आपको मिलने वाले हैं। तो बैग भर भर के लेके जाने वाले हैं, ये बात तो पक्का है। तो मार्केट बहुत घूमना होगा, अभी थोड़ा कुछ स्ट्रीट फूड वगैरह ट्राई करेंगे यहाँ पे सामने। ये शवरमा है, वन ऑफ माई फेवरेट स्ट्रीट फूड। ये अरबन फूड है, हैदराबाद में जब रहता था मैं तो ये मेरा फेवरेट हुआ करता था। कल देखा था मैं यहाँ पे कलंगुट मार्केट में, लेकिन कल खा नहीं पाया था। आज पक्का खाऊंगा इसे, शवरमा। सो ये खाने के बाद आज और डिनर तो मुश्किल है, यही डिनर है हमारा। गोवा का नाइट लाइफ बहुत ही बेहतरीन होता है। यहाँ पे खाना के साथ आपको पीना भी मिलता है और एन्जॉयमेंट का बहुत सारे ऑप्शंस भी मिलते हैं। हमारा दिन बहुत अच्छे से बीता है, बहुत सारा खाना हुआ है आज, बहुत सारा घूमना हुआ है मार्केट। तो ये ब्लॉग यहाँ पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय एंड टेक केयर।